भावना सांपला है। मैं पंजवीं क्लास की विद्यार्थी हाँ। मेरे स्कूल का नाम सरकारी प्राइमरी स्कूल सोफी पिंड है। मैं आज एक कहानी पेश करांगी जिसका नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक पिंड विच एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार नाल रहिंदा सी। ओ दूर जंगल विचों लकड़ियां कट के लै आउंदा ते अपने परिवार का गुजारा करदा। एक दिन उसने सोचा अज लकड़ा कट्टन लई नदी किनारे जांदे हां। उत्थे खूब सारियां लकड़ां मिलदियां। लकड़हारा नदी दे किनारे पहुँच के एक दरखत उपर बैठ के लकड़ा कट्टन लगा। वो बड़ा ही खुश सी, पर अचानक उस दे हथों उस दा कुहाड़ा पानी दे विच डिग पिया। ए कुहाड़ा लकड़हारे दी जीविका दा इको एक साधन सी। हुण मैं की करांगा, हाय रब्बा कोई मेरी मदद करो, मैं की करा, मैं लकड़ा किवें कट्टांगा। जे मेरा कुहाड़ा मैनू ना मिलिया तां मेरा परिवार भुखा मर जावेगा। उस दी रोन दी आवाज़ सुन के पानी विचों एक देवी बाहर आई। देवी आखन लगी, की गल तुसी क्यों रो रहे हो, मेरा कुहाड़ा पानी विच डिग पिया ते ओ मेरी जीविका दा साधन है। मेरा कुहाड़ा मैनू पानी विचों बाहर कढ़िया ते ए चांदी दा कुहाड़ा सी। देवी ने पूछा कि ए कुहाड़ा तुहाड़ा है, पर लकड़हारा ईमानदार सी। अपनी ईमानदारी संग उसने कहा, नहीं ए कुहाड़ा भी मेरा नहीं। हुण देवी फिर पानी विच गई ते लोहे दा कुहाड़ा कढ़ लिया जो कि लकड़हारे दा कुहाड़ा सी। कुहाड़े नूं वेख के लकड़हारा बहुत खुश होया। हाँ हाँ ये मेरा कुहाड़ा है, हाँ हाँ ये मेरा कुहाड़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी मेरा कुहाड़ा लभ के लै आए। लकड़हारे दी ईमानदारी वेख देवी ने कहा, तुसी ईमानदार हो इसलिए ये तीनों कुहाड़े मैं तुहानू दिंदी हाँ, तुसी इन्हां नूं लै जाओ अते हमेशा खुश रहो। थैंक यू।